सुप्रभात प्रिय भैया बहनों, कल पाठ एक का प्रश्नोत्तर लिखाया गया था, आज पाठ दो पढ़ाया जाएगा। पाठ दो का नाम क्या है? लेसन टू ए द फ्रेंडली मंगूज। फ्रेंड से फ्रेंडली बना है तो द फ्रेंडली मंगूज। फ्रेंड माने मित्र और मंगूज माने नेवला, मित्र नेवला। एक किसान के यहाँ पति पत्नी है और उनके यहाँ एक बच्चा है। किसान एक नेवला लाता है और नेवला से भी और नेवला को भी अपने बच्चे की तरह से प्रेम से पालता है। बहुत जल्दी नेवला बड़ा हो जाता है, लेकिन किसान का बच्चा छोटा ही रहता है, पालने में झूठता है। एक दिन की घटना है कि किसान की औरत बाजार चली जाती है और अपने पति को हिदायत देकर जाती है कि आप घर से बाहर मत जाइएगा। लेकिन पत्नी के जाने के बाद किसान भी बच्चे को अकेला छोड़ करके चला जाता है। रास्ते में उसके कुछ मित्र मिल जाते हैं, मित्र से बात करते देर हो जाती है। इसी बीच उसकी पत्नी बाजार से वापस आ जाती है और दोनों के जाने के बाद एक सांप बच्चे की ओर आता दिखाई देता है। नेवला देख करके नेवला आग बबूला हो जाता है और सांप से ज़बरदस्त लड़ाई होती है और सांप को मार करके खुशी में वह गेट पर जा करके माता को दिखाने के लिए खड़ा हो जाता है। माता आती हैं, देखती हैं नेवला के मुख में सांप खून लगा हुआ है, तो वह समझ जाती हैं कि इस नेवला ने मेरे बच्चे की हत्या कर दिया है। वह कुछ सोचती समझती नहीं है और भारी भरकम चीज़ नेवला के ऊपर पटक देती हैं। नेवला मर जाता है और जब आकर बच्चे के पास देखती हैं तो देखती हैं कि बच्चा मेरा आनंद से सो रहा है और बच्चे से कुछ ही दूरी पर एक मरा हुआ सांप पड़ा है। तब उनको पूरी बात समझ में आती है कि वास्तव में इस बच्चे ने, इस सांप ने, सांप से लड़ते हुए नेवले ने अपने प्राण का बलिदान दिया है, मेरे बच्चे की रक्षा किया है। लेकिन तब तक देर हो जाती है। यही कहानी है। इस कहानी को हम लोग अंग्रेजी में पढ़ेंगे। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव इन ए विलेज विथ देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक छोटे से गरीबा छोटे से गांव में छोटे से बच्चे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे बड़ा उसे प्रेम करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट। हमें एक पालतू भी रखना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें कोई पालतू जानवर भी रखना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज। जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड ए कंपेनियन। तो उसको एक दोस्त चाहिए। जब हमारा लड़का बड़ा हो जाएगा तब उसको एक दोस्त चाहिए। इस नाते हमको भी एक पालतू जानवर रखना चाहिए। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। यह पालतू हमारे बच्चे का साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। यह विचार उसकी पत्नी को अच्छा लगा। वन इवनिंग द फार्मर ब्राट हिम विथ ए टीनी मंगूर। एक दिन शाम को किसान ने एक छोटा सा नेवला का बच्चा लाया। इट इज बेबी मंगूज। यह छोटा सा बच्चा था। सेड हिज वाइफ। उसकी पत्नी ने कहा, यह छोटा सा नेवला है, बट विल सून बी फुली ग्राउन। लेकिन बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन। यह मेरे बच्चे का क्या होगा? मित्र होगा। बोथ द बेबी एंड मंगूज ग्रीव। दोनों
बच्चा और नेवला बड़ा होने लगे। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5 or 6 months में नेवला बड़ा हो गया, पूर्ण बड़ा हो गया। ए लवली एनिमल विथ टू शाइनिंग ब्लैक आई एंड ए बुशी टेल। बड़ा हो गया और उसकी 2 काली काली चमकती हुई आंखें और मोटी सी उसकी पूंछ थी, झाड़ी जैसी मोटी सी पूंछ थी। द फार्मर्स सन वाज स्टील ए बेबी इन क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटरी। लेकिन किसान का लड़का अभी छोटा ही है, पालने में झूलता है, कभी रोता है और कभी सोता है। वह बच्चा कभी रोता है और कभी सोता है, क्रमशः कभी रोता है कभी सोता है, पालने में झूलता है। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी, उसने बच्चे को स्तनपान कराया। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और उसको पालने में सोने के लिए रख दिया। पीकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड, टोकरी उठाते हुए उसने अपने पति से कहा, आई एम अप टू बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई ऑन हिम, उसको समान उसको सावधानी से देखना। फ्रेंकली आई डू नॉट लाइक लीव द चाइल्ड एलोन विद द मंगूज। वास्तव में मैं नेवले के साथ अकेला बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। यू नीड नॉट अफ्रेड, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुमको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सेड द फार्मर, किसान ने कहा, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। द मंगूज इज फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है वह मित्र जानवर है। इट इज एज स्वीट एज आवर बेबी, वह उतना ही प्रिय है जितना मेरा बच्चा प्रिय है। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो, और तुम जानती हो कि दोनों अच्छे मित्र भी हैं। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली जाती हैं। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और किसान घर में कुछ काम न होते हुए भी डिसाइडेड टू गो आउट, बाहर जाने का फैसला करते हैं। एंड टेक ए लुक एट ही फील्ड नॉट फार अवे, और वहाँ से थोड़ी दूर पर उनका खेत था, इस नाते खेत देखने का फैसला करते हैं। ही रैन इंटू सम फ्रेंड ऑन द वे बैक, और लौटते समय वो अपने मित्रों के साथ भाग जाते हैं। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और अपने उसी समय पर वापस नहीं लौटते हैं। तो आज कहानी इतना ही पढ़ाई जाएगी। यह कठिन शब्द है, डिफिकल्ट वर्ड है, इसको भी नोट करेंगे और अगले दिन दूसरी कहानी इसी की जो दूसरा पार्ट है वो कहानी बताई जाएगी। धन्यवाद।